हाय एवरीवन फ्रेंड्स, नीट 2023 काउंसलिंग के लिए अभी बिहार स्टेट की बात करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, गुड न्यूज़ क्या है मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आपकी बिहार स्टेट की जो भी स्टूडेंट बिहार स्टेट में रोल कर रहे थे उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है और उसका सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ कर दिया गया है बिहार स्टेट का। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्या गुड न्यूज़ है। आपकी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, लो कट ऑफ आपकी जा सकती है बिहार स्टेट के लिए। मैं बता रहा हूँ, आपने देखा होगा कि बिहार स्टेट की कट ऑफ जो है वो हाई रहती है। ठीक है, बिहार हो गया, एक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लेकिन मैं बात करूं बिहार स्टेट की तो आई थिंक इस बार हो सकता है कि बिहार स्टेट की कट ऑफ आपको लो देखने को मिले। ठीक है, तो क्या अपडेट है, कैसा सीट मैट्रिक्स है, कौन सा अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जो अपडेट देने वाला हूँ आई थिंक बहुत अच्छी खबर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीट की प्रॉपर अपडेट्स गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो देखिएगा, मैंने इन सभी पीडीएफ्स को अपने टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, वहाँ से जाकर के आप इन पीडीएफ को देख सकते हैं। जो जो अपडेट इन्फॉर्मेशन जिस भी स्टेट का आता है वो सभी मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है या टेक्निकल हिंदी गुरुजी डाल करके आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा, सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सीट मैट्रिक्स आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। कॉलेज वाइज दी गई है कि सीट आपकी कितनी कितनी सीट है कोर्स के लिए, एमबीबीएस का दिया है यहाँ पर, आपका बीडीएस का दिया रखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टोटल सीट अवेलेबल आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, सीएन सीट्स, तो कितनी सीट्स हैं यहाँ पर ऑल इंडिया के डिडक्शन के बाद, वो यहाँ पर मेंशन हो रखा है। टोटल गवर्नमेंट सीट की बात करें तो 1206 टोटल सीट्स आपकी जो स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट इस बार करने वाली हैं। ओपन सीट्स की बात करते हैं तो टोटल ओपन सीट्स यहाँ पर देख सकते हो 806 ओपन सीट्स हैं, 804, ठीक है, 804, 1/3 फॉर फीमेल सीट्स। आपको पता है 33% जो सीट्स रही थी वो स्टेट के लिए जो है फीमेल के लिए रिजर्व की गई थी, 1/3 सीट्स, ठीक है, तो वो टोटल सीट 402 सीट है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और कॉलेज का अगर आपको देखना है तो लाइक पीएमसी पटना की बात करते हैं तो टोटल इसमें 165 सीट हैं, ओपन के लिए 110 हैं, ठीक है, फीमेल सीट्स रिजर्व की गई थी वो 55 सीट है, यूआर के लिए 44 सीट है, फीमेल यूआर के लिए 22 सीट्स हैं, एससी के लिए 17 सीट हैं, फीमेल एससी के लिए 9 सीट हैं, एसटी के लिए 1 सीट है, एसटी फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है, ईबीसी के लिए 20 सीट हैं, फीमेल ईबीसी के लिए केवल यहाँ पर 10 दे रखा है, बीसी के लिए 13 सीट आपकी हैं, फीमेल बीसी के लिए 7 सीट हैं, ठीक है, आरसीजी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, फीमेल ईडब्ल्यूएस 6, टोटल सीट 165 यहाँ पर हैं। ठीक है, डीक्यू के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 8। तो इस तरह से आप लोग सीट का देख सकते हो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर मैं टोटल बात करता हूँ एमबीबीएस का तो 1206 सीट्स हैं और ओपन सीट्स 804 हैं, फीमेल के लिए जो रिजर्व सीट है वो 402 सीट हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो आगे यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो टोटल। अगर मैं यूआर की बात करता हूँ तो गवर्नमेंट टोटल सीट 322 सीट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स यूआर कैटेगरी की हैं। अगर मैं फीमेल यूआर की बात करता हूँ तो 161 इनकी सीट है, एससी की बात करता हूँ तो 129 सीट्स यहाँ पर जो है एससी कैटेगरी के लिए है, फीमेल एससी के लिए 64 सीट हैं, एसटी के लिए 8 सीट हैं पूरे बिहार स्टेट में, एसटी के लिए 4 सीट है, फीमेल एसटी के लिए यहाँ पर 145 सीट हैं, फीमेल ईबीसी के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, माफ़ करिएगा, ईबीसी के लिए 145 सीट है, ठीक है, फीमेल एसटी के लिए 4 सीट है और फीमेल ईबीसी के लिए 72 सीट्स हैं, बीसी के लिए 97 सीट है, फीमेल बीसी के लिए यहाँ पर 48 सीट है, आरसीजी के लिए 36 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 सीट्स हैं, ठीक है, और फीमेल ईडब्ल्यूएस के लिए 40 सीट हैं, टोटल 1206 सीट हैं। और बात करते हैं डीक्यू के लिए 60 सीट हैं। ठीक है, तो क्या गुड न्यूज़ है, कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना कट ऑफ लो जा सकता है वो वीडियो में अभी बताने वाला हूँ, लेकिन उसी बीच में आपको बताना चाहूँगा ऐसे सभी स्टूडेंट जो मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, जिनको पेड काउंसलिंग के बारे में मतलब काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको लगता है कि हमसे चॉइस फिलिंग गलत ना हो जाए या रजिस्ट्रेशन फॉर्म चॉइस फिलिंग वगैरह गलत ना हो जाए, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप लोग मेरी पेड काउंसलिंग अवेल कर सकते हो जिसके लिए बहुत ही नॉमिनल फीस है 1500 रुपये। बहुत ही कम फीस पर मैं आपको ये करा रहा हूँ, प्राइवेट गवर्नमेंट सभी के लिए रहेगा, आयुष वेटनरी वगैरह किसी की भी काउंसलिंग आप करा सकते हो इसी 1500 रुपये में। ठीक है, ये फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इस नंबर पर आपको पे करना है और इसी नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीन शॉट शेयर कर देना है। ठीक है, फिर मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। बेनिफिट क्या क्या है, आपको ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराऊंगा, स्टेट की भी काउंसलिंग कराऊंगा। ठीक है, और आपको फुल गाइडेंस मिलेगी ऑल इंडिया एंड स्टेट कोटा की, ऑल स्टेट एंड ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिलेगी यहाँ पर, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो मिलेगा, काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन क्या गलती नहीं करनी वो मैं आपको बताऊंगा,
24/7 कॉल सर्विस एंड व्हाट्सएप सर्विस, किसी भी टाइम आप मेरे को पेड काउंसलिंग के बाद व्हाट्सएप कॉल मैसेज कर सकते हो। सपोर्ट टिल लास्ट राउंड, लास्ट राउंड तक आप लोग मेरे सपोर्ट में रह सकते हो, ठीक है। तो ये जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है इस पर आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन पेमेंट केवल इसी नंबर पर करना है। कॉन्टैक्ट आप इसी नंबर पर ना करें, केवल कॉन्टैक्ट इस नंबर पर करिएगा जो पेड काउंसलिंग लेना चाहता है, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये है कि इस बार जो आपकी 15% सीट है प्राइवेट कॉलेज की, वो गवर्नमेंट कोटे पर कर दी गई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो टोटल प्राइवेट सीट्स यहाँ पर 1050 सीट्स हैं, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर बोला क्या है कि 50% सीट ऑफ टोटल सीट्स, 50% ऑफ टोटल सीट्स गवर्नमेंट फीस पर प्राइवेट की 525 सीट्स हैं। अगर 1050 का हाफ करोगे तो 525 आएगा। वहीं पर 50 सीट्स ऑफ प्राइवेट फी पर है जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से टोटल 525 सीट्स है। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और अच्छी खबर ये है कि ये जो यहाँ पर देखने को मिला है आपको कि प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनकी जो फीस है वो 50% गवर्नमेंट कोटे पर रहेंगी, गवर्नमेंट फीस पर रहेंगी, तो कट ऑफ पर इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पर होंगे या जो स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि हमें कम फीस पर कॉलेज मिल जाए कोई सा भी, तो वो प्राइवेट कॉलेज भी लेंगी, जिससे कट ऑफ पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर स्टार मार्क हो रखा है, ये देख सकते हो आप, स्टार मार्क हो रखा है यहाँ पर एक। तो स्टार मार्क का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा स्टार मार्क का क्या मतलब, बोला गया है कि इन दिस कनेक्शन इट इज़ इन्फॉर्म ऑल्सो डेट अगेंस्ट द एबव ऑर्डर द हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। ये जो ऑर्डर दिया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से है कि भाई 50% सीट गवर्नमेंट फीस पर करिएगा, लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैव फिल्ड द अपील बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली एंड पटना हाई कोर्ट, ठीक है। तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली एंड पटना हाई कोर्ट में इसके लिए अपील की है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, अगर प्राइवेट कॉलेज की फीस 50% गवर्नमेंट कोटे गवर्नमेंट फीस पर की जाती है तो कहीं ना कहीं कॉलेज वाले ये सोचते हैं कि हमें इस चीज़ से नुकसान है। लेकिन मैं बिहार स्टेट के लिए बहुत ही इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ के लिए बड़ा फैसला लिया है और स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, इससे कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। बाकी यहाँ पर जो पिटीशन, जो रिट पिटीशन नंबर वगैरह है वो कुछ यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, दिया रखा है। बाकी यहाँ से आप लोग BDS के लिए भी देख सकते हो, तो BDS के लिए भी यहाँ पर टोटल जो सीट्स हैं वो 240 सीट्स हैं BDS के लिए, ठीक है। तो जो जो अपडेट हैं जैसे जैसे, और बात करूँ इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ के लिए आपका जैसे इसका ऑनलाइन आपको लॉगिन करके देखना पड़ रहा है कि आपकी स्टेट रैंक क्या है, तो मैं इस पर कट ऑफ जज करूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड, उसके लिए आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपकी रैंक क्या है, स्टेट रैंक, जिससे मैं आपको कंफर्म कर सकूँ कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। बाकी जो अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। जो अब स्टूडेंट्स का कुछ कन्फ्यूजन ये भी है कि सर प्राइवेट कॉलेज में जो फीस रहेगी 50% सीट पर वो कितनी रहेगी, तो उसके लिए मैं फीस स्ट्रक्चर अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।